बिसम अल्लाह रही पहले तो मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ कि अन्निया सीढ़ियाँ चढ़ के तुम तो आंदे हुए थे और दूसरी ये कि इत, इसकी एज ए कोच हम प्रिपेयर करते हैं ना चीज़ों को तो हम ये एक रिजर्व लिख के देंगे जी कि यहाँ पे लिफ्ट लगाई जाए ताकि हमारे मीडिया के बंदों को आसानी हो तीसरी चीज़ आपके सवाल का जवाब ऑन सीरियस नोट बहुत अच्छा खेल रहे हैं लड़के दे दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट सबसे अच्छी चीज़ होती है ना फील्ड में आपको पता चलता है एंड आई थिंक वी आर फील्डिंग वेल जब आपका बॉलर कोई अगर छक्का एक अच्छी बॉल पर पड़ भी जाता है और दूसरी बॉ पर आपको चौका रोक लेते हैं फील्डर तो वो क्रिएट करता है प्रेशर और दूसरी टीम के ऊपर उसका प्रेशर पड़ता है आई थिंक क्रेड गोज़ टू द गाइज दे प्लेंग वेरी गुड क्रिकेट और तीसरी बात है इंजमाम का अपना होम ग्राउंड है यार ही दोस्ती है मगर वो दी एंड में देंड ऑफ द डे वही कहेंगे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हमने देखा है पहले मैच में रोसो नहीं थे उसकी काफी कमी हुई है, और ने बड़ी अच्छी की है तो इनके एहसान और उसामा मीर को डिस्क्राइब कीजिएगा और रायली रूसो और ब्रैथवेट के आने से कितना फर्क पड़ा देखिए रायली रूसो जो ऐसा प्लेयर है जो मैच को किसी वक्त भी जब वो खेलता है ना तो मैच को परे कर देता है वो आउट होने से नहीं घबराता जितनी मर्ज़ी मुश्किल बॉलिंग हो रही हो उसके आ, उसके ऊपर वो चांस लेता है और आई थिंक जिस तरह हम सब कहते हैं कि जो दिलेर होते हैं फिर अल्लाह उनकी मदद करता है तो रायली रूसो इज़ एफ एक्स फैक्टर कहीं जब भी वो स्कोर करेगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि जी टीम से वो दूसरे के ऊपर भी प्रेशर ऑफ़ कर देता है जो जो रिजवान खेल रहा था उसके साथ तो उसके ऊपर भी प्रेशर ऑफ हो जाता है वो सिंगल लेके उसको खिलाता रहता है Uh, दूसरी बात जो लोकल प्लेयरों का इंपॉर्टेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ना लोकल प्लेयरों का होता है टूर्नामेंट जीतने के लिए और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अहसानल्ला की शक्ल में हमारे फास्ट बॉल ऐसा मिला जिसने आते ही बाबर जैसे बड़े प्लेयर को आउट करके उसकी एक ड्रीम भी पूरी हुई uh, इसके असामा मीर की बात किया आपने इसामा मीर इज़ बिन बॉलिंग वेरी वेल फॉर लास्ट सिक्स मंथ इसलिए मैं हमेशा कहता था जब भी अभी भी जब भी कोई स्पिनर मिलता है तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि वो उसको रेड बॉल क्रिकेट में खिलाया जाए जब आप रेड बॉल में क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं ना जो जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब आप लंबी बॉलिंग करके आते हैं ना तो आपकी आपकी जो वाइट बॉल क्रिकेट है ना वो इंप्रूव होती है आपको अपनी बॉलिंग का पता चल जाता है तो क्रेड टू उमा उसने बड़ी मेहनत की अपनी फिटनेस पर बड़ी मेहनत की है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेंचाइज को बड़ा इसका क्रेड देते हैं कि पिछले छः आठ महीने से उन्होंने टारगेट किया हुआ था इसको और उस टारगेट के ऊपर उसका ख्याल रख रहे थे कम्युनिकेशन कर रहे थे और यही सबसे बड़ी अच्छी पी की क्वालिटी है कि सारी की सारी फ्रेंचाइज जो है ना वो अपने बंदों के ऊपर टारगेट करके फिर उनका ख्याल रखते हैं मुश्ताक पहले दो मैच में सेकेंड टाइम बैटिंग इस दफा भी मे बी फर्स्ट सेकेंड टाइम खेलना था टॉस हार गए या यही मैच प्लान था कि पहले बैटिंग करेंगे नहीं हमारी बैटिंग सेकेंड करनी थी हमारा प्लान सेकेंड का था हम पहले नहीं सोच रहे थे मुश्ताक भाई बाबर आजम का विकेट सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था कल भी आप लोगों के इंटरव्यू हमने किए तो यही बात हो रही थी कंपटीशन की एहसान से आपकी कोई बात हुई कि उसने प्लान किया हुआ था कि पहली ही गेंद पे बाबर को ट्रैप करने में कामयाब हो गए ज़रा इस बारे में तो बताएं फैंस भी जानना चाहते हैं देखिए प्लान तो आपने बैट्समैनों के खिलाफ बड़े प्लेयरों के खिलाफ तो ज़रूर बनाना होता है बाकी वो किस्मत की बात होती है जिस इफार आया था इफ्तार बड़ी अच्छी फॉर्म में तो कौन सा बॉल किया गया फुल यॉर्कर बाबर के पास भी चॉइस हमारे पास जो अगर आपके पास 150 के करीब पेस है तो आपके पास सबसे बड़ी क्वालिटी होती है बड़े प्लेयर के ख़िलाफ़ कि आपने उसको फुल एल डब्ल्यू या बोल्ड करने की कोशिश करनी है ताकि उसको उसकी विकेट लेनी है तो प्लान ज़रूर बनते हैं बट इसको एग्जीक्यूट करने का सब क्राइड प्लेयर को ही जाता है कि आप जितने मर्ज़ी प्लान देते जब तक वो अपने एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा इसीलिए सब क्राइड प्लेयर ही कोई जाना चाहिए क्योंकि उनको हम अपनी इन्फॉर्मेशन अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं मगर दी एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो प्लेयरों को क्रेडिट देना चाहिए कि जो जाके इतने अंडर प्रेशर जाके उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं मुश्ताक भाई ये बता दें मुशावर जलमी का जो स्टार्ट था वो बड़ा जारहाना था ऐसा लगा कि वो मैच में वापस आके दस आवर तक वो मैच में मौजूद भी रहे फिर वो ब्रेक हुई तो क्या आपने प्लानिंग की मैसेज क्या दिया कि मुल्तान ने नेकतरफा बना दिया अच्छा ब्रेक के ब्रेक से पहले भी हमें एक दो विकटें मिल गई थी जो लकीली जो पावल आउट हुआ उससे पहले जो हारिस और वो शुरू हुए थे साई मयूब ये बड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमें ऐसे टैलेंटेड लड़के मिल रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में अगेन कमिंग बैक टू साइम मयूब हारिस ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं इन्होंने पूरा पूरा सीजन खेला हुआ है तो ये कभी भी जब ये परफॉर्मेंस करेंगे तो ये अच्छी लगेंगे क्योंकि इनकी टेक्निकें अच्छी हो जाती हैं बेसिक्स अच्छी हो जाती हैं और हमारा जो प्लान था जब ब्रेक टाइम आया जब हम तीन मिनट मिलते हैं उसमें तो हम यही कह रहे थे कि अभी आपने गिव अप नहीं करना ऑब्वियसली बीइंग स्पिनर स्पिन कोच सामा से मैंने बात डिस्कस की थी मैंने कहा कई कब चांस लेना होता है विकेट का कब नहीं लेना होता ये आपको सिचुएशन को रीड करना पड़ता है कि इस वक्त वो खुद चांस ले रहे हैं तो आप ना लो चांस लेट देम बॉल गुड गुड ओवर्स अपने खब्बे आ गए तो गुलियाँ ज़्यादा करो गुलियाँ करते करते बीच में एक आध बीच में कर दो तो उसके खिंची हुई लाइन पर करो ताकि उनको एफर्ट करनी पड़े ताकि आप चांस ना लो सो ये छोटी छोटी प्लान होते हैं जो अंडर प्रेशर कई दफ़ा इंसान कमज़ोर है भूल जाता है

टीम मैनेजमेंट कुछ आगे फ्यूचर में भी ऐसा ख्याल कर रही है कि उनको इस तरह के फिटनेस मसाइल सामने ना आए और पूरी पी एस एल के लिए जब मैं यहाँ से यहाँ पर आ रहा था ना लकी लिए इतनी सवाल आपने कर दिया आ, कि जो हमारी मैनेजमेंट है ना हमारे जो मैनेजमेंट है जैसे हैदर है या जो भी हमारे कोचेज अब्दुलरहन है जो लोकल क्रिकेट को ज़्यादा देखते हैं उन्होंने पिछले छः महीने से उसकी फिटनेस का ख्याल रखा हुआ पता है आपको ये किसी को लोगों को नहीं पता होता है कि वो मटेरियल था उसको ऊपर कॉन्सेंट्रेट की गई उसका ख्याल रखा गया छः महीने से हमारा जो फिजियो है उसके जाके एहतमाम उसके साथ जाके काम करता था उसकी फ़िटनेस पे काम कर रहा था तो ये सम टाइम बिहाइंड द सीन आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती मगर ये काम हो रहा होता है मुश्ताक जैसे आपने रिजवान की बात की एज ए कैप्टन जिस तरह वो परफॉर्म करते आ रहे हैं तो फ्यूचर में कहाँ देखते हैं कि एज़ ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान सुपर लीग में किस हद तक कामयाब हो सकते हैं कौन कह रहे हैं कैप्टन पाकिस्तान सुपर लीग में किस हद हाँ तक हासिल कर सकते हैं क्यों नहीं जी रिजवान की कैप्टनसी हमें पिछले दो तीन साल से आपने देख ले मुल्तान में एक फाइनल जीता एक फाइनल में पहुंचा अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं रिजवान की सबसे बड़ा बिलीव है वो सारे लड़कों को ले चलता है जो हमारे फॉरनर्स हैं शाम को रात को अपने कमरे में बुला के वो डिनर कर रहा होता है उनके साथ गपशप लगा रहा होता सारे है सारे सोशलाइज़ करते हैं और ये एक फ़्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे बड़ी खूबसूरती है जिसमें हमारे यंगस्टर्स को बड़ा मौका मिलता है सीखने का क्रिकेट की बातें करते हैं वो कल्चर की बातें करते हैं फिटनेस की बातें करते हैं वो देखते हैं कि जी रात को ये काब्ज़ नहीं खाते तो हमारे लड़कों को बताएं हम फोर्स करें वो जो अपने हीरोज़ के साथ खेलते हैं तो उनको पता है कि यार ये अपना फ़िटनेस का

और बाकी टीम को थोड़ा डिसएडवांटेज होगा इस चीज का आ, देखे, देखे, आ, ब, ब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है आपको कंडीशन का पता चल जाता है याद रखिए ये फायदा जरूर होता है इसका एडवांटेज मिलता है आपको बैट्समैनों को भी उनको पता होता है कि इस पिच के ऊपर कौन सी शॉट खेलनी है कैसे खेलनी है कैसे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है वॉइस आपकी जो बॉलिंग होती है उसको पता होता है कि इसमें लेंथ कैसे हैं जैसे आप आपने देखा कि हमारे बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है क्रेडिट गोज पिशावर जलमी साहे मयूब को और, और हारिस को उन्होंने अटैक बड़ी अच्छी बॉलों पर किया है गंदी बॉलें नहीं थी वो मगर हमारे लड़कों को पता था कि कंसिस्टेंटली अगर आप इस पिच के ऊपर इस प्लान्स के ऊपर चलते रहोगे तो आपके पास विकटें जब गिरेंगी तो दो तीन विकटें ठक ठक गिरेंगी और यही एक होम एडवांटेज होता है बाकी ये ट्वेंटी ट्वेंटी हो या कोई भी फॉर्मेट हो इसमें हार जीत का तो किस्म किस्मत में होता है अल्लाह के इख्तियार में होता है आपने अपने आप को पूरा टाइम देना होता है और होम एडवांटेज का आपको डेफिनेटली फ़ायदा जरूर होता है स्पेशली मुल्तान का क्राउड अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हो तो इसका एक और एडवांटेज और एक किक मिलती है जो फील्डिंग बॉन्ड के ऊपर कर रहे होते हैं उनको भी किक मिलती है थैंक यू सो मच More Thank city. you.